So what's up guys, welcome back to our another video. So guys, my name is Sunny and you are watching YouTuber Sunny. एंड गाइस, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम को खेलना चाहते हो तो, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम को काफ़ी आसानी से खेल सकते हो। जैसा कि आपको पता होगा, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल पहले इंडिया में बीटा टेस्टिंग में लॉन्च हुआ था तो काफ़ी लोग उसको खेलते थे, लेकिन फिर उसके बाद उस गेम को इंडिया में बंद कर दिया गया क्योंकि अब वो ऑस्ट्रेलिया में बीटा टेस्टिंग में चल रहा है, जिसकी वजह से हम उस गेम को नहीं खेल पा रहे अभी। लेकिन इस वीडियो को अगर आप पूरा लास्ट तक देख लेते हो तो आपको पता चलेगा और आप उस गेम को काफ़ी आसानी से और काफ़ी अच्छे तरीके से खेल पाओगे बिना किसी इश्यू के। लेकिन अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हो तो आप उस गेम को खेल नहीं पाओगे अच्छे से और आपको काफ़ी तरह की इशू फेस करने को मिलेगी अगर आप उस गेम को स्टार्ट करते हो तो। सो गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर हम उस गेम को कैसे खेल सकते हैं काफ़ी आसानी से। और इस वीडियो में आपको भी ऐसा वीपीएन नहीं बताऊंगा जिससे आप एक दिन खेल पाओ उसके बाद में फिर आप उस गेम को ना खेल पाओ। इस वीडियो में जो वीपीएन आपको बताऊंगा आप काफ़ी आसानी से उसको खेल पाओगे और वो वीपीएन फ्री है जिसको यूज़ करके आप काफ़ी आसानी से कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम को खेल पाओगे। सो गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, अगर आपको कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम का एपीके और ओबीबी फाइल को डाउनलोड करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस, जब आप डाउनलोड कर लो तो आपको सबसे पहले ओबीबी फाइल को अपने एंड्रॉयड फाइल के ओबीबी में पेस्ट कर देना है और आईपीके फाइल को इंस्टॉल कर लेना है। एंड गाइस, उसके बाद आपको एक वीपीएन यूज़ करना है जिसका नाम है प्रोटोन वीपीएन। इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप इस वीपीएन को ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस, जब आप इस वीपीएन को डाउनलोड कर लो तो उसके बाद आपको इस वीपीएन को ओपन करना है। एंड गाइस, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आप लोगों ने और भी काफ़ी लोगों की वीडियो में देखा होगा जो वो वीपीएन बताते हैं तो एक से दो दिन चलता है लेकिन उसके बाद फिर आपका गेम जो स्टार्ट नहीं होता है। लेकिन इस वीपीएन से आप बिना किसी इशू के आप उस गेम को खेल पाओगे जब तक आप चाहो तब तक। एंड गाइस, जब आप प्रोटोन वीपीएन को डाउनलोड कर लो तब उस वीपीएन को आपको ओपन करना है। यहाँ पे आपको ये आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। अगर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं क्रिएट किया है तो आपको यहाँ पे क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करके आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, जैसा कि मैं यहाँ पे अभी क्लिक कर रहा हूँ। एंड गाइस, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तब यहाँ पे आपको इसके तीन तरह के प्लान दिखेंगे। तो आपको यहाँ पे फ्री वाले प्लान, यहाँ पे आपको ये आपका जीमेल मांगेगा और आपको यहाँ पे आपका जीमेल दे देना है। और जैसे आप यहाँ पे अपना जीमेल एंटर करके यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको एक ओटीपी वेरिफिकेशन आपके जीमेल पे भेज देगा और आपको यहाँ पे उस ओटीपी को फिल करके आपको यहाँ पे इस बटन पे क्लिक कर देना है। एंड गाइस, जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब आपको उसके बाद ये नेक्स्ट पेज पर लेके जाएगा जहाँ पर आपको एक आपका यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है प्रोटोन वीपीएन का, जैसा कि मैं यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ। आपको भी अपना यूज़र नेम और पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है। जब आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लोगे तब आपको ये कुछ 10 या 17 दिन का फ्री ट्रायल दे देगा और आपको अगर कुछ और भी ज़्यादा दिन तक खेलना है तो आप नेक्स्ट जीमेल से फिर से अपना नया अकाउंट बना के आप खेल सकते हो उस वीपीएन को यूज़ करके। तो इसी तरह से आप जब तक खेलना चाहो तब तक आप उस गेम को खेल सकते हो न्यू जीमेल से अकाउंट को क्रिएट करके। एंड गाइस, जब आपका यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट हो जाए तब आपको फिर से अपने प्रोटोन वीपीएन एप्लीकेशन में आना है और आपको अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है इस वीपीएन में। एंड गाइस, जब आपका प्रोटोन वीपीएन फाइनली जब लॉगिन हो जाए आपका अकाउंट तब आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सर्वर को चूज़ करना है। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी वो गेम ऑस्ट्रेलिया में बीटा टेस्टिंग में चल रहा है तो इसीलिए आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का सर्वर को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे जिस सर्वर में सबसे ज़्यादा नेटवर्क आ रहा हो आपको उस नेटवर्क पर क्लिक करके यहाँ पे कनेक्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस कनेक्ट वाले बटन पर क्लिक करोगे तो ये उस सर्वर से कनेक्ट होने लगेगा और जब ये कनेक्ट हो जाए तब आपको आपका गेम को स्टार्ट करना है। एंड गाइस, अब आपका गेम जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होने लगेगा और गाइस फर्स्ट टाइम में आपको आपका गेम थोड़ा टाइम लगेगा 4 से 5 मिनट तक, क्योंकि वो काफ़ी सारे डेटा को चेक करेगा लेकिन उसके बाद आपका जो गेम है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी आप वीडियो को स्किप मत करना, आप पूरे प्रोसेस को देख सकते हो। और यहाँ पर मैंने वीडियो काफ़ी लंबी ना बने इसकी वजह से मैंने जो पोर्शन और मुझे लगा कि काम का पोर्शन नहीं तो उस पोर्शन को मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है और या फिर मैंने उसको थोड़ा फास्ट कर दिया है। एंड गाइस, आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना और अगर आपसे कोई भी चीज़ छूट जाता है तो आपका जो गेम है वो स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए गाइस आप इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना। एंड गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो गेम को स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है और जब आपका गेम इस जगह पर आ जाएगा तब आपका गेम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड गाइस, जब आपका गेम स्टार्ट हो जाता तो यहाँ पर आपको कुछ एग्रीमेंट मांगेगा तो आपको यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देना है और एग्री करने बोला तो आपको यहाँ पे एग्री कर देना है, सभी चीज़ों को आपको एग्री कर लेना है और एक्सेप्ट कर लेना है और उसके बाद आपका जो गेम है वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद गाइस आप कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम को काफ़ी आसानी से खेल।
सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस इस वीडियो से रिलेटेड आप कुछ भी पूछना चाहते हो या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कर, मैं उसका रिप्लाई जरूर दे दूंगा आपको इस वीडियो के कमेंट में। सो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक से, तब तक के लिए गुड बाय।